नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। आज मैं एक बार फिर से आपके सामने पीईटी जो अभी कल ही अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा आपकी विज्ञप्ति निकाली गई कि उसके फॉर्म फिल करना शुरू हो गए हैं, तो एक आशा का किरण कि अभी फॉर्म भरा जा रहा है, कल से ही फॉर्म भरा जा रहा है, मतलब कि 25 ऑफ में से आपका फॉर्म भरा जा रहा है और ये आपका 28 जून तक फॉर्म भरा जाएगा, 26 जून तक। तो एक महीने में फॉर्म भरने के बाद फिर आपका एक जो बोलते हैं कि प्रतीक्षा रहेगी कब से इसका एग्ज़ाम होगा। सबसे पहली बात तो यही आती है कि आखिर पीईटी का आ गया है तो एग्ज़ाम कब होगा। हालांकि एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम से पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है उसकी तैयारी। लेकिन अभी जो पीईटी यानी कि आपका प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराना जाएगा, जिसके लिए अभी कल से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसके बारे में जो बात बोले तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे संशय में हैं कि फॉर्म भरें ना भरें, क्यों है पीईटी अभी भी करीबन महीनों पहले से आपको अधीनस्थ चयन सेवा आयोग बार बार यूपीटी पॉलिसी बोलता चला आ रहा है कि फॉर्म भर दो, आपका पीईटी परीक्षा होगा, पहले प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेंस होगा और मेंस एक साथ सारी परीक्षाओं को एक साथ लेके कराया जाएगा जो भी आपके यूपीटी पॉलिसी के अंडर में आते हैं, वो चाहे ग्रुप सी के हों, चाहे ग्रुप डी के हों, समूह खा और गा के समस्त वैकेंसियाँ। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे और इसकी बहुत अच्छी रणनीति, जैसा कि आप लोगों ने टेम्पलेट भी देखा होगा, तो रणनीति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर ये परीक्षा कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। एग्जैक्टली मैं जो शब्द बोल रहा हूं, हाँ, खतरनाक हो सकती है उनके लिए जो इसे लाइटली ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो एलिजिबिलिटी की बात किया है वो 10th की बात किया है। अब बहुत लोग के दिमाग में ये बैठ रहा है कि अगर 10th तक की एलिजिबिलिटी है तो पेपर बेहद आसान होगा, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। एग्जैक्टली ऐसे ही हो जाएगा और सबसे ज्यादा समस्या इसी बात के लिए है क्योंकि ये ऐसे ही हो जाएगा। इस बात पे अगर मैं ग्रेविटी दूं तो बात यह है कि जैसे आपका लोअर पीसीएस कभी यूपी पीएससी करवाता था और जब वो अधीनस्थ के अंडर में आया तो उसका एग्जाम का जो तरीका था, उसके क्वेश्चन के पूछने की प्रवृत्ति थी, पहले तो लोग बोल रहे थे बहुत टफ आएगा, आपका पीसीएस के लेवल का ही आएगा और बच्चे एकदम उस लेवल की तैयारी किए और अंततः वो मोहरा नहीं सोच पाए, वो डायमेंशन नहीं देख पाए जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जिस नज़रिए से मैं आपको चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि आपको हर डायमेंशन देख के चलना होता है कि पेपर आसान भी हो सकता है, पेपर टफ भी हो सकता है, पेपर मॉडरेट भी हो सकता है और सबसे बड़ी बात किस पार्ट का कौन सा रोल यहाँ पे है। तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, एक रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे, इसे 3 सेगमेंट में देखेंगे कि आखिर पीईटी है क्या, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसकी तैयारी करें कैसे और तीसरे चरण में हम लोग देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो सोर्स सबसे अच्छा हो सकता है वो सोर्स कौन सा होना चाहिए आपकी तैयारी के लिए। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, एक मूल मंत्र जो आपका है उस मूल मंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम जो आपका प्रश्न आता है कि आपका पीईटी है क्या, तो पीईटी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कराया जाने वाला एक ऐसा प्रीलिम्स की परीक्षा है जिसे पास करना उतना ही जरूरी है जैसे आपका अभी तक यूपी टेट वगैरह होता था टीचर वैकेंसीज में और उसके बाद बल्क वैकेंसीज आती थी, वैसे ही आपका यहाँ पे होगा। अब आयोग क्या करेगा, एक आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी टेस्ट करवा लेगा जिसे आपका यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के नाम से बोला जा रहा है, पीईटी के नाम से एलिजिबिलिटी टेस्ट है आपका प्रीलिम्स का, और फिर जो बच्चा इसे क्लियर कर लेगा, क्लियर करना मात्र नहीं रहेगा, इसके साथ एक शब्द आएगा मेरिट, जिसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, मेरिट में जिसका नाम होगा जब मुख्य परीक्षा का फिर से वैकेंसीज निकलेगी उसमें ये मेरिट का जो रोल आएगा उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, उस मेरिट के आधार पे आपको मुख्य परीक्षा देने को मिलेगी जो आपकी क्या होंगी, बल्क वैकेंसीज होंगी। बल्क वैकेंसीज में क्यों बोल रहा हूं, बल्क वैकेंसीज मतलब कि अभी आपका जैसे 50,000 की आप खबर सुन रहे होगे न्यूज़पेपर वगैरह में, ठीक वैसे ही आपके जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत आने वाले विभाग हैं, चाहे वो आपका समूह का खा गा का सॉरी कहानी खा और गा का जो भी आपके, चाहे वो सचिवालय के कुछ पोस्ट हो या फिर आपके कोई ऐसे डिपार्टमेंट जैसे नगर निगम वगैरह हैं, इनको भी जोड़ दिया है, या फिर आपका हो सकता है निकट भविष्य में आपके जो मेडिकल फील्ड है इसमें जो क्लर्क वगैरह स्टेनो वगैरह हैं इनके जो हमेशा जुड़े ही रहे हैं ये आपके जोड़ देंगे, या आपके विद्यालयों में जो क्लर्क वगैरह हैं, ये तमाम जो राज्य स्तरीय यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आपके खा और गा की वैकेंसीज हैं, ग्रुप सी और डी की वैकेंसीज हैं, वो सब इसके अंडर में आएंगी और वो बल्क वैकेंसीज आपका 50,000
40,000 ऐसे ही प्रत्येक साल निकलेगी, है ना। हर साल आपका पीटी होगा और उसका वैलिडिटी भी एक साल होगा, और वो वैकेंसीज जो होंगी वो बिना पीटी के एग्ज़ाम में, अगर आप फॉर्म नहीं बने हो एग्ज़ाम क्लियर करना तो अलग, अगर आप इस पीटी के मेरिट में नहीं हो तो इसका सपना आप भूल जाओ। तो ये मेरिट सबसे बड़ा शब्द है। आप ऐसा समझो कि यूपी टेट वगैरह में क्या होता है, उसमें तो आपका कट ऑफ दे देते हैं कि जो 90 से ऊपर पाएगा उसका क्या हो जाएगा, वो आराम से दे सकता है, कोई किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठ सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई कट ऑफ नहीं फिक्स किया गया है कि आपको इतना ही मार्क्स कर लो। यहाँ पे आपका क्या होगा, इन अगर दूसरे शब्द में बोले तो परसेंटाइल मैटर करेगा। हालांकि इस शब्द को पूरे विज्ञप्ति में उसने कहीं जिक्र नहीं किया है, लेकिन वो कहना यही चाह रहा है कि जैसे अभी आप तक जो पहले परीक्षाएं होती थी, जैसे गेट वगैरह हुआ, इन सब में आप टेक्निकल एग्जाम से अगर आप जुड़े होंगे तो पता होगा, उसमें परसेंटाइल कैट वगैरह में परसेंटाइल मायने रखता था। परसेंटाइल क्या होता था कि अल्टीमेटली आपको मेरिट बोल सकते हैं कि ऊपर से वो शॉर्ट लिस्ट कर देगा अगर उस लिस्ट में आप आते हो। जैसे 50,000 वैकेंसियां आए जिसके लिए मान लो उसे 10 गुना या 5 गुना लेना है, वो चाह रहा है केवल 5 लाख बच्चे केवल और केवल फॉर्म भरे, क्योंकि पीटी में जो अनुमानित है वो करीबन 30 से 35 लाख, ये गलत फिगर नहीं है, एकदम एग्जैक्ट फिगर है, इतने ज़्यादा लोग इसमें फॉर्म भरेंगे। अब 30-35 लाख का फिर से परीक्षा नहीं होगी, उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा, इनमें से केवल और केवल 5 लाख लोग लिए जाएंगे, जिनमें से आपके 30-25 लाख लोग क्या कर दिए जाएंगे, बाहर कर दिए जाएंगे, उनके लिए पीटी की परीक्षा उस वर्ष के लिए बेकार हो जाएगी। तो वो जो 5 लाख लोग होंगे उस वैकेंसीज का 10 गुना या 8 गुना या 15 गुना जो भी उस समय आयोग माने, लगभग 5 से 6 लाख की हम बात करेंगे, वो वही 5 लाख बच्चे होंगे जो इस पीईटी में ऊपर से नीचे तक 5 लाख आ गए, और उसके बाद यही ऊपर वाले बच्चे होंगे, बाकी नीचे वाले क्या हो जाएंगे, वो सब बेकार हो जाएंगे। तो ये है एक पीईटी का जनरल सा मोटो, आप समझ लो। बात आती है दूसरे स्टेप पे कि आखिर हम इसकी तैयारी कैसे करें। तो इसकी तैयारी करने के लिए मैं आपको एक विशेष बात जरूर बताना चाहूँगा, थोड़ा सा मैं आज ये स्ट्रेटेजी थोड़ा सा ज़्यादा लंबा करूंगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा उपापोह की स्थिति है, सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, तो क्लियर करना भी आपका ज़रूरी है कि आपका जो ये मेरिट शब्द आ रहा है ये आपके लिए एक खतरा की घंटी है, और घंटी इसलिए है क्योंकि जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में आपको मैं बता दूं कि ये 50% क्या है, जीएस है, लेकिन इसमें वो बच्चे एकदम ना खुश हो जाएं जिनका जीएस बहुत सोच रहे हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं, नहीं, ये वो जीएस नहीं है जो पारंपरिक जीएस आप पढ़ते चले आ रहे हो। इसमें अगर देखा जाए तो 10 आपका जनरल अवेयरनेस है, है ना, और आपके 10 क्या है, करंट है, और सबसे बड़ी बात है कि ये यूपी ट्रिपल एससी का आपका जीए है और यूपी ट्रिपल एससी का आपका करंट है, जहां पे अल्टीमेटली उसे क्या मतलब होता है, स्टैटिक जीएस से मतलब होता है, और ये स्टैटिक जीएस कहीं ना कहीं आपके करंट से रिलेटेड होता है, एक साइकिल होती है, एक लूप होता है कि पिछले 1-2 साल में जो भी घटना घटी उससे जो स्टैटिक पार्ट है वहां से निकाल लो क्वेश्चन और वहां से बन जाते हैं, और 20 क्वेश्चन आपका यही कवर करेगा, बाकी 3 क्वेश्चन पारंपरिक, और पारंपरिक भी कहीं ना कहीं स्टैटिक से रिलेटेड होता है। तो अल्टीमेटली बोल सकते हैं ना, जिसका कुछ अनुमान ही नहीं कि कहां से प्रश्न पूछ लिया। अभी लोअर वाले परीक्षा में पिछली बार क्या हुआ, बच्चे सोच रहे थे पारंपरिक आएगा, वो पूरा इतिहास पूरा अच्छे से पढ़ गए, लेकिन वो तो पूछा ही नहीं जो पूछना चाहिए, पागल बाबा मंदिर कहां पे, ऐसे प्रश्न अधीनस्थ चयन सेवा आयोग पूछता है। आप थोड़ा सा भी अगर सीरियस हो गए तो इस बात को जो मैं कह रहा हूं, चाहे पेपर दिए होगे निकट में, चाहे मंडी परिषद का दिए होगे, चाहे पिछले साल वीडियो का दिए होगे, आप मेरी बातों को समझ रहे होगे कि मैं किस लेवल के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, और एग्जैक्टली वैसे फिर होने वाला है। अगर हम इसे नकार दें कि वैसा नहीं होगा तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तो हमारा डायमेंशन ये जो जीएस है इसका भी बहुत बड़ा होना चाहिए, और मैंने जैसे आपके थंबनेल में लिखा कि जीएस ही इस बार सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है, कि आपके पूरे पेपर में 50% तो भाई साहब केवल जीएस है। जैसे हम सिलेबस पे चर्चा करते हैं, इतिहास का 5 क्वेश्चन यहां पे केवल भारतीय इतिहास, जो आपका कौन सा है, आपका एंशियंट और मेडिवल पूरा मिला लो, उसके बाद आपका मॉडर्न का 5 क्वेश्चन इतिहास का अलग आएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट से 5 क्वेश्चन अलग आएगा, मतलब 10 क्वेश्चन किससे होंगे, हिस्ट्री से होंगे। उसके बाद देखो 5 क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी का है, फिर 5 क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स का है, ऐसे ही 5 क्वेश्चन आपका क्या है, पॉलिटी का है, तो 15 और 10 कितने हो गए, 25 क्वेश्चन यहां पर हो गए, फिर 5 क्वेश्चन आपका कितना है, साइंस का है, और ये अगर जोड़ दोगे तो 25 प्लस 5 यानी 30 हो जाएंगे,
30 क्वेश्चन आपके कन्वेंशनल जीएस से हैं और बाकी जो 20 क्वेश्चन हैं आप यहां पर देख सकते हो तो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से 10-10 क्वेश्चन होंगे 10-10 मार्क्स के, यानी टोटल 50 जो होगा वो क्या होगा, जीएस होगा। अब आप समझिएगा कि किसी पेपर में अगर 50% जीएस ही है फिर तो वाकई में मामला बहुत बुरा है। अभी आप समीक्षा अधिकारी वगैरह पेपर को अगर कंपेयर करो तो 200 क्वेश्चन का पेपर होता है जिसमें आपके 60 क्वेश्चन हिंदी होते हैं, 140 जीएस होता है, और उस 140 क्वेश्चन में भी करीबन 20 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ्स के होते हैं, 15 क्वेश्चन लगभग, यानी कि अगर आप 60 और 15 और जोड़ दो तो 75 जोड़ दो, वहां पर भी 60% जीएस होता है। तो ये पीटी को आप उसके क्वेश्चन की प्रवृत्ति की बात नहीं करूं, पैटर्न की बात करूं, समीक्षा अधिकारी के पैटर्न की बात हो गई है, क्योंकि बाकी में अन्य सब्जेक्ट हैं और बाकी में आपका 50% केवल क्या है, जीएस। जहां पे अपर पीसीएस वगैरह में केवल क्या होता है, अपर पीसीएस में केवल और केवल जीएस होता है, सीसेट का पेपर लगा होता है, उसकी बात नहीं करेंगे, क्वालिफाइंग होता है, लेकिन अगर आप वनडे एग्जाम की बात करो तो हमेशा जीएस का रोल ज्यादा से ज्यादा कितना होता था, 25% होता था। मैं जीएस पे क्यों बात बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि ये एक अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेन है, ये एक ऐसा पार्ट है जो बहुत ही ज्यादा वेस्ट है, बहुत ही दूर तक इसका क्षेत्र फैला हुआ है और कहां से क्या पूछ ले इसका कुछ पता ही नहीं। जहां पे हमें पता ही नहीं होता है कि एग्जैक्टली हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन से नोट्स पढ़ने हैं, कौन से नोट्स नहीं पढ़ने हैं, कहां पे अपना समय ज्यादा बर्बाद करना है और कहां पे अपने समय का सदुपयोग करना है, ये सारी चीजें इसमें कुछ आइडिया नहीं लगता। तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि क्या जीएस ही सब कुछ है, नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम लोग एक मोटा मोटा देखें तो 50 क्वेश्चन आपके किसके हैं, जीएस के हैं। अगर आप देखो तो 10 क्वेश्चन जो आपके 10 नहीं 20 क्वेश्चन जो हैं वो आपके किसके हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई के हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन जिसमें आपका ग्राफ चार्ट है और आपका टेबुलर है, टेबल चार्ट है ना, 10-10 क्वेश्चन दोनों से होंगे, 10 क्वेश्चन ये है, 10 क्वेश्चन ये है। अभी आप 5 क्वेश्चन देख लो, हाँ 5 क्वेश्चन आपके किसके होंगे, रीजनिंग के होंगे, और 5 ही क्वेश्चन आपके किसके होंगे, मैथ्स के होंगे, मतलब आप इसे मिला लो अगर तो ये मिला के टोटल कितने हो जाएंगे, ये मिला के आपके हो जाएंगे, हाँ ये मिला के आपके 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, 50 क्वेश्चन आपका जीएस हो गया है, और अब बच रहा है 5 क्वेश्चन हिंदी और 5 क्वेश्चन इंग्लिश का, ये कितने हो जाएंगे, 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन अभी भी समझना 10 क्वेश्चन आपका क्या है, 10 क्वेश्चन ये आपका, अभी मैं इसे ऊपर ना लिखूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं हिंदी का कंप्रेहेंशन, गद्यांश, गद्यांश आएगा आपका यहां पे, ठीक है ना, तो गद्यांश आपका 10 क्वेश्चन का होगा, ये मैं 10 लिख दे रहा हूं, और 5 आपका इंग्लिश ग्रामर या कंप्रेहेंशन होगा, और 5 क्वेश्चन आपका क्या होगा, हिंदी ग्रामर होगा। अभी हम इस चीज से थोड़ा अपना विजिबिलिटी क्लियर करते हैं, क्या क्लियर करते हैं, इस चीज को समझते हैं कि जो मैंने 30 और 10 40 ये क्वेश्चन लिखे हैं ना, ये 40 क्वेश्चन कोई भी करेगा, इस 40 क्वेश्चन को ना लो, चलो इन दोनों 5 को छोड़ भी दो, तो 20 ये ले लो और 10 ये ले लो, तो जो 30 क्वेश्चन आएगा यहां से निकल के, ये 30 क्वेश्चन कोई भी कर लेगा, मतलब थोड़ा सा भी अगर ग्राफ पे प्रैक्टिस कर लेगा, थोड़ा भी टेबल पे प्रैक्टिस कर लेगा, और खासकर एग्जाम से जुड़ा हुआ बच्चा है तो उसके लिए बहुत बड़ा कोई इतना तोप नहीं है ये 20 क्वेश्चन तैयार करना, और ना ही हिंदी के गद्यांश वाला। हिंदी के गद्यांश पे आपके सामने क्या एक दिया होता है पैराग्राफ, उसी से आपको उत्तर देना होता है, वो भी क्योंकि आप सबसे पहली बात तो भारत में रहते हो, हिंदी आपकी मातृभाषा है, दूसरी बात आप उत्तर प्रदेश में रहते हो जहां पे हिंदी और भी प्राथमिकता दी जाती है, तो फिर आप बचपन से वही हिंदी पढ़ते सुनते आए हो, तो कंप्रेहेंशन नॉट अ बिग डील, जो काम आप अपने पैदा होते ही करते आए हो वो एग्जाम में करने में, और कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो कंप्रेहेंशन के क्वेश्चन गलत कर देता होगा अगर उसमें ग्रामर ना इन्वॉल्व किया जाए तो। हालांकि ग्रामर की बात अलग से कर दिया, हिंदी ग्रामर की बात अलग से कर दिया, तो 30 क्वेश्चन तो सभी करेंगे, ये 30 क्वेश्चन में आपको दिमाग नहीं लगाना है, ये आप 15 दिन लास्ट के प्रैक्टिस कर लोगे ना, 15 दिन भी नहीं 10 दिन, अगर 8-8 घंटे 7-7 घंटे प्रैक्टिस कर लिए तो ये 30 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा। बच्चा क्या आपका इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर, और ये भी इतना भी टफ नहीं रहेगा, ये तो कोई भी कर लेगा, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है 50 क्वेश्चन ये और 10 क्वेश्चन ये। अब मैं दो चीज को आपको अलग करता हूं, एक तो आपका 50 क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 50 क्वेश्चन जीएस हो जाएगा, और 10 क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, मैथ्स प्लस क्या हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा। इस 10 क्वेश्चन के लिए भाई साहब
आपको मैथ में पूरी मैथ पूरा नंबर सिस्टम तो उसका सिलेबस दिया हुआ है, थोड़ा एवरेज भी दिया हुआ है, ना ज़्यादा पढ़ो। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पढ़ना आपको सब पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट टाइम है, और जब पहली पहली बार है, पहला पहला साल है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि रिस्क नहीं ले सकते हो, रिस्क एकदम नहीं ले सकते हो, क्योंकि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग है, UP SSSC है, वो क्या बोलता है और क्या करता है इसका पता उसे खुद भी नहीं होता है। तो किस वेंडर को आपको पेपर देने के लिए बनाने के, हालांकि TCS सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड है और TCS को ही मिलेगा, मैं पहले से आपको बात बता दूं, लेकिन फिर भी, और TCS करेगा फिर तो समझ लो कि GS की ऐसी तैसी और करने वाला है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। पहली बार है तो जरूरी नहीं है कि जो सिलेबस में दिया है उससे बाहर नहीं पूछ सकता, क्योंकि उसने क्या किया है, अभी मैं आपको दिखाऊं, जैसे इसने क्या किया, मैथ वगैरह अगर आप देखोगे, है ना, तो मैथ में क्या किया, पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशतता, उसके बाद फिर अंकगणितीय समीकरण और वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक, और ये बता दिया, फिर बाद में औसत बता दिया। तो इसका मतलब क्या, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन नहीं होगा, इसका मतलब टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन नहीं होगा, है ना, इसका मतलब चाल दूरी समय से क्वेश्चन नहीं होगा, इसका मतलब हमारा मेंसुरेशन क्षेत्रमिति से क्वेश्चन नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्योंकि अभी इतना दिया हम उस पर फोकस रहेंगे, ज़्यादा वेटेज इस पर देंगे, लेकिन फिर भी पहली बार है तो हम रिस्क नहीं ले सकते, थोड़ा बहुत तो हमें जानना चाहिए। अब मैं क्यों बात बोल रहा हूँ, आपको पूरी मैथ पढ़नी पड़ जाए, पूरी रजनी पढ़ पाए और प्रश्न आप केवल करो 10, तो यार ये बेवकूफी है, उससे अच्छा ये है कि जितना सिलेबस में उसने दे दिया है केवल उसी पॉइंट को पढ़ लो, बाकी को छोड़ दो। किस्मत अच्छी रहेगी, किस्मत अच्छी रहेगी तो केवल प्रश्न उसी से रहेंगे, फिर आप फुल में फुल पा जाओगे। किस्मत थोड़ी सी बुरी रही तो आपकी नहीं सभी की लगभग बुरी रहेगी, उसके लिए बहुत ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। आपको फोकस कहां करना है, आपको फोकस GS पे करना है, जो आपका ये 50 क्वेश्चन है, बात समझ में आ रही। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि GS ही आपका क्या है, गेम चेंजर है, गेम चेंजर GS ही है, बाकी सभी में लोग लगभग क्या होंगे, बराबर परफॉर्म करेंगे। तो अब मैं आपको आज ये रणनीति, एक जनरल रणनीति बता रहा हूँ कि GS पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस होना है, मैथ्स वगैरह, रीजनिंग वगैरह, हिंदी वगैरह पे जब आपकी परीक्षा तिथि निर्धारित हो जाएगी तब से पढ़ने का प्रयास करना। फिर से सुन लीजिए, अभी से केवल और केवल आपको क्या पढ़ना है, GS पढ़ना है। अगर आप वाकई में चाहते हो कि PET में मेरिट में आओ, PET में बैठना और उसे पास करना नॉट अ बिग डील, मेरिट में आप नहीं आए तो आप फेल हो, आप फेल हो उस एक साल के लिए, फिर आपको अगले साल ही। और एक बात समझना, इस बात की गंभीरता आप ऐसे समझो, सपोज करो कि आपका सितंबर अक्टूबर में पेपर हो जाए, सितंबर अक्टूबर में आपका पेपर हो जाए PET का, और इसके बाद आपका अगले फरवरी में आपके पास 50,000 प्लस वैकेंसीज आ जाए। मैं जो बात कह रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना, सितंबर अक्टूबर में आपका एग्जाम हो गया, नवंबर में आपका मान लो रिजल्ट आ गया दिसंबर में, और आप मेरिट में आए तो ये 50,000 प्लस वैकेंसीज में आप बैठ सकते हो। अगर आप मेरिट में नहीं आए तो ये वैकेंसीज में आप नहीं बैठ पाओगे, आप भले ही इसके अगले साल फिर से PET देख के अपना स्कोर इम्प्रूव कर लोगे, लेकिन मेरे भाई ये 50,000 फिर से आ जाए इसकी कौन सी गारंटी है। आप एक साल नहीं, दो साल नहीं, आप 5-5 साल PET देते रहो, जब ये वैकेंसी आएगी तब तो आपके लिए मुद्दे की बात होगी। तो अवसर, अगर पहली बार PET हो रहा है तो पहली वैकेंसी बहुत जल्द आएगी, याद ध्यान देना। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये पहली बार PET हो रही है तो पहली वैकेंसी सबसे ज़्यादा संख्या में आएगी, सबसे जल्दी आएगी, इसके और इसके बीच में ज़्यादा गैप नहीं होगा, ध्यान देना। और अगर ये अपॉर्चुनिटी छूट गई तो याद रखना 3-4 साल बेटा फिर रोओगे और कोई नहीं पूछने आएगा, ओवर एज हो जाओगे, जिंदगी नरक हो जाएगी, सही बता रहा हूँ। तो रिस्क एकदम नहीं लेना है, ऑलरेडी बहुत सारा समय निकल चुका है आप लोगों का, बहुत सारी एनआरकी यहाँ पे अराजकता फैली हुई है, अब आपके पास कोई होप है तो किसी का कुछ नहीं सुनना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं बॉयकॉट PET, अरे मेरे भाई छोड़ दो, मत भरो फॉर्म, आएगा अम्मा अम्मा चिल्लाओगे, फिर समझ में आ जाएगा, फिर रोगी काश हमने फॉर्म भर दिया होता, वीडियो वाली परीक्षा दी, बोल रहे थे नहीं होगा नहीं होगा, बहुत लोग फॉर्म नहीं भरे, दोबारा अब कैंसिल होकर दोबारा हो रही है, फिर काश भर दिए होते तो हमारा भी हो गया होता, क्यों रोने वाला काम करते हो मेरे भाई।
अपॉर्चुनिटी है उसे करो, जो सरकार को करना है वो तो करेगी, कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग, कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग, केवल कठपुतली हैं, केवल रोएंगे गाएंगे और कुछ नहीं करेगा, उसे करना अपने मन से, उससे अच्छा हम पढ़ाई ना कर लें, यहाँ नहीं तो वहाँ पे काम आ जाएगा, वहाँ नहीं तो यहाँ पे काम आ जाएगा, और जब मौका आएगा तब सरकार के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे, लेकिन अभी से हम अपनी पढ़ाई क्यों डिस्टर्ब करें, बढ़ के नेता बने घूम रहे हो, और इतनी है तो मत भरो यार, जाओ करो नेतागिरी, कौन आपको रोका है, कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन थोड़े से भी अगर आपके दिमाग में थोड़ी सी भी शंका होगी ना कि हाँ यार अपनी जिंदगी को बना लेना है, तो नेतागिरी के चक्कर में मत पड़ना, सही बता रहा हूं, आपका भविष्य यहां नहीं, जीएस पढ़ लोगे पीसीएस निकाल देना यार, वो तो बराबर बराबर परीक्षा हो रही है, इतना अच्छा से पढ़ निकाल दो पीसीएस, बन जाओ अधिकारी एसडीएम, कौन रोका है आपको, लेकिन आप समझते नहीं उस बात को, तो यहां पे मैं फिर से बोल रहा हूं रिस्क नहीं लेना है, आज से अभी से सबसे ज्यादा क्या पढ़ना है, जीएस पढ़ना है। अब बात आती है मैथ्स वगैरह की, बात हम लोग करेंगे धीरे धीरे, आप पढ़ते रहो हर चीज पढ़ते रहो, और ऐसा नहीं है कि एकदम उसका हाथ छोड़ ही दो, मैं कह रहा हूँ अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो तो 4 घंटे में अगर पीटी के लिए पढ़ रहे हो तो 2.5 से 3 घंटा, 2.5 से 3 घंटा आपका केवल और केवल जीएस होना चाहिए, जिसमें आपके कन्वेंशनल जैसे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पढ़ो, साथ में करंट तो रोज पढ़ो, साथ में ही आप क्या पढ़ो, आप स्टैटिक भी पढ़ते चलो, और किस करंट से, इस करंट से समसामयिक विषयों से जो आपका स्टैटिक है उसे जरूर कवर करते हुए चलो, वरना सब कुछ गड़बड़ कर लोगे, बात समझ में आ रही है। तो ये आप अगर 4 घंटे पढ़ो, 2.5 घंटे पढ़ो, बाकी 1.5 घंटे में थोड़ा मैथ पढ़ लो, थोड़ा रीजनिंग पढ़ लो, उसमें भी DI ज़्यादा पढ़ लो, PET की बात कर रहा हूँ मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, बात समझ में आ रही है सभी को। तो यहाँ पे ज़्यादा फोकस होना है करंट के लिए, बहुत सारे सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं करंट के लिए, मैं इसकी चर्चा जरूर करूँगा। अरे मेरे भाई करंट के लिए आपको PET के लिए बहुत परेशान नहीं होना है, घटना चक्र या घटना सार की अर्धवार्षिकांक आती है वो उठाओ और अच्छे से उसे पढ़ते चलो, घटना चक्र या घटना सार की आपकी क्या आती है, अर्धवार्षिकांक आती है, हाफ ईयरली आती है, और आप उससे एक बार नहीं कम से कम 5 से 7 बार पढ़ लो, कितनी बार, 5 से 7 बार पढ़ लो, एक क्वेश्चन आपका करंट का गलत नहीं होगा, आप पता नहीं कौन कौन सी क्लासेस देखते रहते हो। और आज मैं बता दूं आज के समय में क्या है, बोलेंगे बहुत सारे अभी दुकान खोल के बैठ जाएंगे, मैं साफ साफ शब्दों में बोल रहा हूँ, किसी से मुझे कुछ लगा नहीं हुआ है, और किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, दुकान खोल के बोल जाएंगे जितनी क्लास होगी, कुछ भी पढ़ा रहे थे, चलो MCQ क्लास करा रहे थे, PET आ गया, टेम्पलेट चेंज करो, उसके ऊपर लिख दो UP SSSC PET, आओ भैया PET की क्लास चला रहे हैं, अरे पूरे दिन PET क्लास चला रहे हो, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है कुछ पता ही नहीं है, केवल रगड़े जा रहे हो, बच्चा भी बेवकूफ़ है, 10-10 क्लास 10-10 घंटे अपना यूट्यूब पर बर्बाद कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो जिंदगी में पैदा ही हुआ था केवल यूट्यूब पर वीडियो देखने के लिए, और किसी के लिए पैदा ही नहीं हुआ था, अरे क्यों अपनी जिंदगी बात कर लो भैया, 10 घंटे नहीं आप 24 घंटा YouTube पे पढ़ लो, नहीं होने वाला है, YouTube से पढ़ाई नहीं होती है, 100% की बात मैं बोल रहा हूं, वही बच्चा सिलेक्शन लेता है जो अपने पे विश्वास रखता है, किताबों पे, अच्छे नोट्स पे, अच्छी जगह से कोचिंग पे, अगर आप कोचिंग पे बिलीव करते हो अच्छे टीचरों पे करो, ये नहीं आप उन अपना फायदा नहीं कर रहे हो 10 घंटा, उनका फायदा कर रहे हो, व्यू बढ़ा रहे हो, वो अपने पेट भर रहे हैं ना दिन भर, अपने वो बढ़ा रहे हैं, आपका कोई फायदा नहीं हो रहा है, आप तो वो हो ना जो चूहे के लिए क्या डाला जाता है, बेट डाला जाता है कि आएगा चूहे दानी में फंस जाएगा उसके बाद निकाल के बाहर फेंक आएंगे, वो हो आप, है ना, आपका प्रयोग ऐसे किया जा रहा है, खैर इन सबकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तीसरी कड़ी आती है कि हम पढ़ें कहाँ से, कहाँ से पढ़ें इस चीज़ को, तो भैया मैं बता दूं कि आप जहाँ से भी पढ़ना चाहो आपके पास एक चीज़ क्या होना चाहिए, कंटेंट आपके लिए बहुत ही सॉलिड होना चाहिए, ठीक है ना, बाकी फिल्टर्ड कंटेंट होना चाहिए, फिल्टर्ड कंटेंट कहने का मतलब पता लगे आपको इतिहास पढ़ना है, उसने सिलेबस थोड़ा PCS वाला दे दिया, गए हम स्पेक्ट्रम खरीद लाए और पूरा मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से पढ़ रहे हैं, अरे बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं होने वाला, कहीं से कोई ऐसा कंटेंट जो उस किताब का एकदम सारांश हो वो पढ़ने का प्रयास करो। बहुत लोग बोलेंगे NCERT पढ़ लो, केवल NCERT कुछ नहीं होने वाला, गागर में सागर है, 4 शब्द लिखा है, 44 बताया है, समझ ही नहीं पाओगे लिखा क्या है, तो PET के लिए वो भी हेल्पफुल नहीं होगा। NCERT आपके बेसिक, आपके समझ को डेवलप करता है, आपकी परीक्षा नहीं निकलवा पाता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, है ना। PCS वगैरह में NCERT के रूल समझ में आते हैं जब आपको मेंस की आंसर राइटिंग लिखनी होती है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में NCERT का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता, बहुत हद तक रोल होता है तो किस में होता है, साइंस वगैरह में, वो बात हम लोग बाद में करेंगे। तीसरी बात, जो नोट्स वगैरह हों वो आपके क्या हों, एरर लेस हों, है ना, पता लगे कोई एक मार्केट से
किताब खरीद ले नई पब्लिकेशन की और उसमें दुनिया भर का सारा डेटा सब गलत लिखा है, वर्तनी अशुद्धि है, आपका हो गया बेड़ा गर्क, तो वो भी नहीं करना है। चौथी बात, आपके पास टेस्ट सीरीज, ये प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू इनहेंस वाला सीन है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही ज़्यादा आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। टेस्ट सीरीज बहुत ही दमदार आपके पास होनी चाहिए और आप अपनी टेक्स्ट बुक को तो अच्छे से पढ़ती चलो, जो अच्छे राइटर की किताब है वो तो साथ में लेके चलते ही चलो। और इन सब के अलावा है आपकी एक मैच्योरिटी, आपके दिमाग की परिपक्वता। अगर आप यकीनन इस सिलसिले में पढ़े हो बॉयकॉट पीईटी वाले में, तो आपका कुछ नहीं हो सकता, यकीन मानो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी परिपक्व हो कि नहीं यार बैलेंस्ड सोचते हो हर चीज़ तरफ से कि हाँ ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, हर दायरा सोचते हो, तो ज़रूर आपका हो जाएगा ये बात भी। तो मैच्योरिटी होनी चाहिए और दिमाग का टेम्परामेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर हम बात करें यहां पे, है ना, सारे पार्ट का, जैसे जीएस पार्ट है, हम बुक लिस्ट की बात आज नहीं चर्चा करेंगे, बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अदर सोर्सेज के लिए अभी फिलहाल अगर आप करना चाह रहे हो तो सबसे अच्छा मैं बोलूंगा कि अभी हमारी संस्था जो है परीक्षा प्लस पीईटी का जो कोर्स लॉन्च की है, मैं बोल रहा हूँ एकदम, लेकिन मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ भाई स्वैच्छिक है एकदम, आप चाहो तो खरीदो आप चाहो तो मत खरीदो, केवल और केवल 399 में जो ये सारा काम है आपके लिए कर रही है, पूरा का पूरा नवीनतम पाठ्यक्रम अनुसार सभी विषयों के वीडियो क्लासेस इसमें आपको मिल रहे हैं, सारे के सारे लाइव क्लासेस मिल रहे हैं, जो 200 से ज़्यादा क्लासेस होंगे और केवल पीईटी के टारगेट बेस्ड होंगे, उसके एकदम जैसा हो सकता है एग्जैक्टली पेपर पूरे एनालिसिस के साथ वो होगा। उसके बाद उसके सारे बुकलेट नोट्स मिलेंगे सारे के सारे, यही नहीं आपको 50 से ज़्यादा आपको क्या मिलने वाले हैं, प्रैक्टिस टेस्ट मिलने वाले हैं, 10 फुल लेंथ टेस्ट जिसमें होंगे और उसकी व्याख्यात्मक हल्की पीडीएफ भी दी जाएगी, विषयवार एवं संपूर्ण सिलेबस हेतु रणनीति भी होगी। अब जब हम लोग कोर्स में आएंगे, जैसे मैं रणनीति डिस्कस कर रहा हूं, आप लोग जाओ पेड क्लास में पूछो बच्चों से, एक एक चीज की रणनीति डिस्कस करते हैं, एक एक टॉपिक की रणनीति डिस्कस करते हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पे होने वाली है और व्यक्तिगत मार्गदर्शन और समस्या समाधान तो होना ही है। तो आपके पास 300 से ज्यादा पीडीएफ जो केवल और केवल पीटी के लिए बनाए गए हैं, 200 से ज्यादा क्लासेस हैं, 50 से ज्यादा टेस्ट है और फीस मात्र इसकी 399 रुपये है और ये बहुत कम समय के लिए है, जिसके बाद और ऊपर से आप स्वैच्छिक हो, चाहो तो खरीदो चाहो तो अपना 10 घंटा यूट्यूब पर बर्बाद करो, बहुत सारे लोग हैं आपको बर्बाद करने के लिए, लोग 1200 1500 1500 में भी पता नहीं आम इमली चूरन बेच रहे, जो खरीदो, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूं, कोई नहीं ऐसा वो है, वो आप इतने समझदार हो कि क्या अच्छा है। हाँ ये जरूर बोलूंगा कि आप जाओ परीक्षा प्लस के सारे वीडियोस देखो, सारे टीचर के पढ़ाने का तरीका देखो, सारे कंटेंट देखो, जो पीटी का डेमो है उसे देखो, पीटी के डेमो मटेरियल देखो, ये आपकी किताबें ये पब्लिश हो रही है आपकी किताबें, समझ लो बहुत जल्दी आपके बुक स्टोर पर भी अवेलेबल होंगी पीटी के लिए, केवल केवल देखो समसामयिक उसके लिए सामान्य जागरूकता हो या भारतीय इतिहास हो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे भूगोल हो, चाहे प्रारंभिक गणित एवं तर्कशक्ति हो, चाहे ग्राफ एवं तालिका हो, चाहे सामान्य अंग्रेजी हो, चाहे सामान्य हिंदी हो, एग्जैक्टली जैसा आपका सिलेबस है वैसे सारे नोट्स हैं, इस नोट्स का डेमो भी आप परीक्षा प्लस ऐप से प्राप्त कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो यहां पे इसे लेना, तो परीक्षा प्लस आप एंड्रॉयड ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो, या जिसके पास पहले से ही है वहां से गूगल प्ले से आप इंस्टॉल कर लो और वहां से आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। ओनली एंड ओनली 399 में है आपका ये कोर्स, ठीक है ना। या अगर और भी समस्या होती है तो 9450006007 या फिर 9129769780 पे कॉल कर सकते हो। चलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, मेन मेरा जो मुद्दा है वो आपका इतना बताना है कि आप पर्याप्त मैच्योर हो और जीएस को वाकई में यहाँ पे समय देने की ज़रूरत है। बाकी जो 30 क्वेश्चन हैं वो सभी लोग एवरेज खेलेंगे तो उस 30 क्वेश्चन का कोई वेटेज नहीं है, बाकी जो 20 क्वेश्चन बच रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ के बहुत सूक्ष्म आएगा, तो सबसे अच्छा है कि जीएस और जीएस में सबसे ज़्यादा करेंट और स्टैटिक पार्ट को करो और कन्वेंशनल तो आप पढ़ते ही रहो। तो चलिए फिर मिलते हैं, हम लोग क्लास में मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे रणनीति के साथ मिलेंगे, सारे विषयवार रणनीति करेंगे, टॉपिक वाइज रणनीति करेंगे, हर दैनिक रणनीति होगी, महीने की रणनीति होगी और पूरे एग्जाम की रणनीति होगी और उसके साथ ही बहुत अच्छा कंटेंट भी होगा। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।